नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। देख दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक कमेंट लेने वाला हूं, और उस कमेंट में हमारे जो व्यूवर हैं उनने हमसे पूछा है कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो हम मान लो ये हमें सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर, जैसे सपोज हमें ये सेडिमेंट फिल्टर है और ये कार्बन फिल्टर हम चेंज करते हैं, मान लो हमने नए सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन हमने परचेज किया और वो हमें चेंज करने हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारा कार्बन फिल्टर या कई बार हमारा सेडिमेंट फिल्टर तो नहीं हम कहेंगे, ज़्यादातर क्या रहता है कि हमारा कार्बन फिल्टर क्या है कि नया लेते हैं हम और नया ही सेडिमेंट कार्बन फिल्टर लगाते हैं, तो हमारा नया कार्बन फिल्टर चोक हो जाता है। मतलब अभी हमने उसे यूज भी नहीं किया, उसे सील पैक खोला है, और सील पैक खोलने के बाद जब हमने पानी का प्रेशर उसमें दिया पाइपिंग वगैरह की और उसके आउट वाले पॉइंट से, क्योंकि इस जैसे कि हमें पता है कि इसमें एक इन होता है, इन पानी यहाँ से आता है और आउट मान लो यहाँ से, या कोई भी डायरेक्शन दी हुई है इन आउट की, तो हम सही डायरेक्शन में अगर पाइप लगाते हैं तो पाइप पानी का प्रेशर देते हैं, तो उस कंडीशन में कि उससे पानी पास नहीं होता, ये पास होता है, बहुत कम पास होता है, फ्री फ्लो नहीं निकलता, तो उस कंडीशन में क्या हमारा चारकोल फिल्टर खराब हो गया है? क्या हम उसे फेंक दें, या इसका कुछ सोल्यूशन वगैरह बताएं कि हाँ भी उसी फिल्टर को ना फेंकना पड़े और उसी को हम लोग यूज में लेके आ पाए? या फिर कई बार ये होता है कि आज हमने ये फिल्टर लगा दिया, कार्बन फिल्टर लगा दिया, लेकिन कुछ टाइम पीरियड चलने के बाद मान लो आज हमने लगाया और 2-3 महीने हमारा कार्बन फिल्टर चला, कार्बन फिल्टर चलते चलते क्या है कि धीरे धीरे मतलब डस्ट इस यहाँ तक नहीं पहुँची है, प्री फिल्टर हमारा फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, लेकिन नॉर्मल वे में चलते चलते क्या था कि ये 2-3 महीने में ये फिल्टर चोक हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर क्या कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसी फिल्टर को आप यूज कर सकते हैं। सिंपल वे है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता तो कई बार हमारे नए टेक्नीशियन भाई, सर्विस इंजीनियर, या कुछ हमारे डायरेक्ट व्यूवर्स वगैरह भी जो है जो नए फिल्टर अपने आप से चेंज करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इस टाइप से रिपेयर कर। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इन वाला और आउट वाला पॉइंट हमने जो निकाल लगा रखा है उसे हमें निकाल लेने, दोनों ये देखिए, जैसे सपोज ये फिल्टर है तो इनमें एक इन रहेगा राइट साइड में और एक आउट लेफ्ट से पानी निकलेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस टाइप से पाइप पानी के कनेक्शन देता हूँ और इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं और जुगाड़ करके भी कैसे चला सकते हैं, और जुगाड़ कामयाब रहता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं इसमें पाइप जोड़ता हूँ पानी के कनेक्शन करके, आपको पानी चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अब इसमें मैंने पाइप जो है राइट डायरेक्शन में ही लगाया है, इन वाले से मैंने पानी का कनेक्शन दिया है और इधर पानी खोल रखा है और फुल स्पीड से पीछे से पानी की सप्लाई है, लेकिन आउट वाले पॉइंट से आप ये देखिए ये चारकोल फिल्टर है, इसमें पानी बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है, बहुत कम फ्लो आ रहा है, जबकि ये नया फिल्टर है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसे इसे फेंकना नहीं है, इसी को हम यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हमें इन वाला जो पॉइंट है उसे आउट में कर देना है, मतलब हमारा जो पानी का कनेक्शन है हमें उल्टे कनेक्शन कर देना है, उसे फिर पानी चला के देखना है कि हाँ भी आउट से पानी हमारा फर्स्ट क्लास आ रहा है या नहीं, इसे हमें इन आउट करके दोनों तरफ से पानी चला के धो के देखना है। अगर तो ये ठीक हो जाता है मतलब और राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है, पानी का फ्लो ठीक आ जाता है, ब्लॉकेज इसकी खत्म हो जाती है, तो ठीक है, नहीं तो आप क्या है कि इसे उल्टे कनेक्शन करके भी चला सकते हैं, बस पानी इससे आना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने ऐसे बहुत से केसेस वगैरह देखे हैं जिसमें कि कार्बन वगैरह चोक हो जाते हैं, नया कार्बन ही चोक रहता है, लेकिन उल्टे कनेक्शन करके चलाते हैं तो वो फर्स्ट क्लास चलते हैं, 1-1.5 साल तक कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे ये चोक है राइट डायरेक्शन में मैंने लगाया, अब मैं इसको उल्टे कनेक्शन करके इसको क्लीन करके दिखाता हूँ, फिर दोबारा इसे जोड़ के देखते हैं हाँ भी क्लीन हुआ है या नहीं। अब पानी का फ्लो देख सकते हैं कितना तेज पानी का फ्लो है, लेकिन ये कि सही डायरेक्शन में लगाने से पानी का फ्लो नहीं आ रहा है। अब मैं इसे जो कार्बन फिल्टर है इसमें उल्टे कनेक्शन करके देखता हूँ पानी के, तो ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी के कनेक्शन उल्टे कर दिए हैं, और ये आप जो एरो देख रहे हैं, एरो देखिए ना, जिस डायरेक्शन में पानी बाहर निकला जाए उसी डायरेक्शन से मैं पानी उसी साइड से मैं पानी इन कर रहा हूँ, और मैं पानी का फ्लो इसमें खोलता हूँ, फिर देखते हैं कि हाँ भी इसका फ्लो कैसा है। उल्टे कनेक्शन करने के बाद देखिए फ्लो कितना तेजी से आ रहा है। ठीक है, मतलब ये कि इसका उल्टा कनेक्शन करने से पानी का फ्लो तेज आ रहा है। अब थोड़ा इसे ऐसे चलने देंगे और इसको फिर दोबारा राइट डायरेक्शन से हम दोबारा चला के देखते हैं कि हाँ भाई ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना है, जिस डायरेक्शन पानी निकल रहा है स्पेशली कार्बन फिल्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सेडिमेंट फिल्टर की बात नहीं कर रहा, कार्बन फिल्टर को आप उल्टे कनेक्शन करके लगा सकते हैं। वो सेडिमेंट फिल्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उसमें क्या जुगाड़ किया जा सकता है। ये देखिए अब मैं इसके सही दोबारा से कनेक्शन करता हूँ सही, तो दोस्तों ये देखिए अब मैंने इसका जो इन वाला पॉइंट मैंने इन में ही दिया है, इनसे ही पानी का कनेक्शन दिया, लेकिन जो फ्री फ्लो यहाँ से निकल थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन बहुत माइनर सा है, और इसमें भी लगता है कि ये थोड़ी देर चलेगा उसके बाद फिर चोक हो जाएगा, मतलब
सही से फ्लो नहीं आ रहा है जो स्पीड एक्चुअल। ये देखिए धीरे धीरे, ये भी अगर इसे हम ऐसे क्लीन भी कर रहे हैं तो क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये दोबारा फिर चोक हो जा रहा है। तो इसमें अब यही करेंगे कि अगर देखिए जी उल्टे कनेक्शन करने से पानी सही आता है तो दिक्कत क्या है, प्योरीफिकेशन तो वो सही कर ही रहा है ना, और चारकोल तो अपना काम कर ही रहा है, जो पानी आ रहा है वो चारकोल से होता हुआ ही आ रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी ऐसे उल्टे कनेक्शन करके इसे चला सकते हैं, कभी आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो नया कार्बन हमें फेंकने की जरूरत नहीं है, या दो तीन महीने हुए हैं अगर कार्बन आपको चेंज किया और दो तीन महीने में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसका उल्टा कनेक्शन करके चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ये कि साल सवा साल अगर हो जाते हैं तो साल सवा साल बाद तो देखिए कार्बन वगैरह फिल्टर जो है वो चेंज कर देना चाहिए, लेकिन अगर दो तीन महीने में या नया में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप इस स्टेप से चलाइए और ये जुगाड़ कामयाब है। और ऐसे हमने बहुत से केसेस देखे हैं या हमने जो जुगाड़ करके चलाए हैं कोई दिक्कत नहीं आती, पानी आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा और हमारा आरओ वाटर प्योरीफाइड या यूवी वाटर प्योरीफाइड जो भी आप यूज़ कर रहे हो फर्स्ट क्लास काम करेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।